आज का हमारा शूट पूल में था और ये हमारे लिए, मैं हमारे लिए तो नहीं कह सकती, मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज मुझे पानी से बहुत डर लगता है। सारा हमारा शूट पूल में था, सारे फेस इंप्रेशन थे आंखों के और सब लड़की ने बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा किया। जब मैं अंदर गई थी तो बकायदा मेरी ना टांगे कांपना शुरू हो गई थी और मुझे वैसे भी पानी से, लेकिन फिर आहिस्ता से कम हो गया, यानी कि सबने काफ़ी ज़्यादा मुझे बोले कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल इसमें से चिल, तो यानी कोई नहीं, फिर आराम से, लेकिन फिर मैं नर्वस थी। आज का जो बेसिक प्रॉप था लड़कियों का, वो आप यही जो पीछे बैकड्रॉप में जो पूल, स्विमिंग पूल देख रहे हैं ये था। और आज का जो टास्क था इन लड़कियों का, बेसिकली ये था कि उन्होंने, दे वर लाइक वेरिंग वेरी एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ आई मेकअप, उसमें ग्लिटर था, उसमें डिमोंटीज थी, फेदर्स थे, बहुत सारे इस तरह का एक्सपेरिमेंटल मेकअप था, काफ़ी फ्लैशी था। आज का शूट वॉज रियली इंटरेस्टिंग, प्योरली ब्यूटी शॉट्स थे और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मैटर करता था कि आपके आईज़ के एक्सप्रेशंस किस तरह के, बिकॉज आपकी बॉडी मूवमेंट इतनी नहीं थी अदर देन योर हैंड्स, और इसमें किस तरह आप अपनी फैंटेसी मेकअप को अपने आईज़ के एक्सप्रेशंस के साथ मिक्सअप करते हो। उसमें उन्होंने बेसिकली अपनी आँखों के एक्सप्रेशंस के साथ खेलना था और फोटोग्राफर ने बेसिकली उनकी आई एक्सप्रेशंस को कैच करना था और उसकी बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाना था। और आज की परफॉर्मेंस काफ़ी मज़ेदार और फिनोमिनल रही। लड़कियाँ को शुरू में तो लाइक क्वाइट स्केयर्ड ऑफ दिस वाटर इफेक्ट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उससे इम्यून हो गई और फिर उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। दो तीन लड़कियों ने स्पेसिफिकली बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म के पोजेस दिए, काफ़ी इनोवेटिव था और मुझे लग नहीं रहा था कि लड़कियाँ इसको इतनी अच्छी तरह हैंडल कर पाएंगी, बट आई थिंक दे डिड एक्सट्रीमली वेल। अभी तक जितने शूट हुए राम की रानी में, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार शूट था। ऑल दो मुझे स्विमिंग, आई मीन कभी मैं पानी में उतरी नहीं थी पहले, ग्रेट एक्सपीरियंस और मुझे बड़ा सीखने को मिला अपने इसमें जो भी एक्सपीरियंस हुआ पूल के अंदर, और दूसरी लड़कियों को भी देखे जो दो तीन का मैंने देखा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। नेक्स्ट टाइम अगर पूल में शूट हुआ या पानी में हुआ तो बेहतर होगा। हमारा जो पूल का शूट था उसमें मेन चीज़ जिस पर एम्फसाइज़ किया गया था वो आईज थी, आईज एक्सप्रेशन थे जिनको आपका हाफ फेस कवर होना था और आईज एक्सप्रेशन होने थे। तो हमारा जो मेकअप था वो ज़्यादातर आईज पे हुआ हुआ था, डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए थे ग्लिटर के साथ और हमने बस पानी के अंदर अपनी यू नो एक्सप्रेशन देने थे आईज के साथ। डिफ़िकल्टी तो नहीं आई, मज़ा आ रहा था, लेकिन दो तीन गोते खाए मैंने और अच्छा प्लॉट करी थी उसमें और जो इट गिट स्टार्स वगैरह जो फेंके हुए थे हमने उसको गैदर करी थी, मतलब ठीक था, मज़ा आया मुझे। जब पता चला कि आज का शूट जो है वो पूल में है, आइस का एक्सप्रेशन देना है तो किस तरह से होगा, लेकिन उसके बाद जब हम लोग पूल के अंदर गए और हम लोग का शूट हुआ तो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आया, खुद ब खुद एक्सप्रेशन समझ आ रहे थे और जो पूल के अंदर फ्लावर्स वगैरह थे एज अ प्रॉप हमें उनको यूज़ करना था तो काफ़ी अच्छा यूज़ किया।
और हमारा जो मेकअप था, मेकओवर, वो काफ़ी डिफरेंट सा था, सबका अलग अलग था। और स्पेशली आईज को जो है वो प्रोमिनेंट किया गया था, क्योंकि आईज से हमें एक्सप्रेशन अपने देने थे। तो काफ़ी अच्छा लगा ये शूट और मज़ा आया। देन सादिया टोल्ड अस के आपके ब्यूटी शॉट्स होंगे स्पेसिफिकली योर आईज़, आप लोगों ने सिर्फ अपने फेस को यूज़ करना है, यू कैन यूज़ योर प्रॉप्स एंड हैंड्स, लेकिन उसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। कुछ लड़कियां हैं जो ज़्यादा वाइल्ड एक्सप्रेशंस दे पाती हैं अपनी आँखों से, कुछ हैं जो सॉफ्ट एक्सप्रेशंस दे पाती हैं। I found it a bit difficult कि आपने पानी में सारा रह के और आपका फेस पानी से ऊपर होगा और आपने फिर शूट करना है और एक्सप्रेशंस देने हैं अकॉर्डिंगली। इससे पहले मैंने कभी ऐसा शूट नहीं देखा ना ही किया और एक्सपीरियंस वॉज डिफरेंट येट गुड। आई फेल्ट लाइक अ मरमेड इन वाटर। बेशक इट्स अ स्टिल कैमरा एंड यू मॉडलिंग, आइदर यू ऑन द रैंप और यू डूइंग द स्टिल शूट, यू शुड बी एक्टिंग गुड इनफ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, उससे फिर आपको बहुत फ़ायदा होता है। कीप योर एक्सप्रेशंस वेरी स्ट्रांग, तो द फोटोज दे कम आउट वेरी गुड एंड फोटोग्राफर्स दे स्टार्ट लविंग दोज मॉडल्स। आज का जो शूट था वो काफ़ी ट्रिकी था, ट्रिकी इन अ वे के पानी कभी मुंह में जा रहा है, कभी कानों में जा रहा है, एंड एज आई डोंट नो हाउ टू स्विम, तो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई रियली एंजॉयड द शूट एंड आई थिंक कि मेरी परफॉर्मेंस इस शूट में अच्छी थी। एंड आई विश वेरी गुड लक टू द क्रू एंड टीम एंड मॉडल्स ऑफ रैंप की रानी कॉन।